हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में कछवा वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है, हमने उसमें 101 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हम 50 प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को, 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, 50 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर एक, जमुआ माता जो कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जमुआ माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नंबर एक पृथ्वीराज कछवा, नंबर दो मानसिंह, नंबर तीन दुल्ले राय, नंबर चार भारमल। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, दुल्ले राय ने। किसने करवाया था, दुल्ले राय ने। थर्ड इज राइट आंसर। दुल्ले राय का मूल नाम क्या था, तेजकरण। दुल्ले राय का मूल नाम क्या था, तेजकरण, और उसको धोला राय भी कहा जाता था, धोला राय, क्योंकि वह धोला था, अत्यंत गोरा था, इसलिए उसको धोला राय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से किस रियासत के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान वचनाथ से होता है। निम्नलिखित में से किस रियासत के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान वचनाथ से होता है। जयपुर रियासत का, किस रियासत का होता है, जयपुर रियासत का। निम्नलिखित में से किस रियासत का के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान वचनाथ से होता है, जयपुर रियासत का। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन, अकबर ने रायजादा की उपाधि से निम्नलिखित में से किसको दी थी। अकबर ने रायजादा की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी थी। जगत सिंह दो पर लिख दी यहाँ पर, मान सिंह जगत सिंह दो पर लिख दी, इसलिए यहाँ पर मान सिंह। तो किसको दी थी अकबर ने रायजादा की उपाधि, कुंवर जगत सिंह को। किसको दी थी, कुंवर जगत सिंह को। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार, बारह कोटड़ी नामक सामंतवादी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। बारह कोटड़ी नामक सामंतवादी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है। आमेर, बारह कोटड़ी का संबंध किससे है, आमेर राज्य से। पृथ्वीराज कछवा ने अपने राज्य आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था और अपने 12 पुत्रों में बांटा था। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच, सर विट्टी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। जयपुर के। किस राज्य के दीवान थे, जयपुर के। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छः, आमेर में लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आमेर में लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज कछवा ने। किसने करवाया था, पृथ्वीराज कछवा ने। थर्ड इज राइट आंसर। इसमें तीन ही ऑप्शन डाले, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सात, अकबर के विरोधी कलाल खां को कांगड़ा में पराजित करने के कारण अकबर ने किसे राजादा की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर के विरोधी कलाल खां को कांगड़ा में पराजित करने के कारण अकबर ने किसे राजादा की उपाधि से विभूषित किया था। किसको किया था जगत सिंह को। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर आठ, काकोड़ का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। बालाजी बाजीराव व स्वाई माधो सिंह प्रथम के मध्य काकोड़ का युद्ध लड़ा गया था। बालाजी बाजीराव व स्वाई माधो सिंह प्रथम के बीच। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ, बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर नई राजधानी किसे बनाया।
बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर नई राजधानी किसे बनाया तो किसको बनाया था, राजमहल को। किसको बनाया था, राजमहल को। राजमहल कहाँ पर है, टोंक में। बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर नई राजधानी किसे बनाया था, राजमहल को। थर्ड इज राइट आंसर। और राजमहल कहाँ पर है, टोंक में। क्वेश्चन नंबर 10। 1846 ईस्वी में जयपुर मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, उस समय वहां का शासक कौन था। 1846 ईस्वी में जयपुर के मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, उस समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो वहां का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय वहां का शासक था। 1846 ईस्वी में जयपुर के मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, उस समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन था, सवाई राम सिंह द्वितीय। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो राजा मानसिंह और कोका अजीज को 7000 की मनसबदारी दी गई थी। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। राजा मानसिंह और कोका अजीज को। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया था, सैयद हुसैन खां को। किसको नियुक्त किया था, सैयद हुसैन खां को। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया था, सैयद हुसैन खां को। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे। सवाई मानसिंह द्वितीय के। मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे, किसके थे, सवाई मानसिंह द्वितीय के। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14। जयपुर रियासत में किन महलों का उपयोग भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विशाल शरणार्थी शिविर के रूप में किया गया। ख्वास खां के महल। जयपुर रियासत में किन महलों का उपयोग भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विशाल शरणार्थी शिविर के रूप में किया गया, ख्वास खां के महल। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लैंड के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने वह कौन कौन शासक थे जो अपने साथ दो विशाल चांदी के पात्र गंगा जल से भरकर ले गए थे, जिन्हें वर्तमान में दीवाने खास सिटी प्लेस में रखा गया है। इंग्लैंड के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने वह कौन से शासक थे जो अपने साथ दो विशाल चांदी के पात्र गंगा जल से भरकर ले गए थे, जिन्हें वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, दीवाने खास सिटी प्लेस में रखा गया है। तो कौन थे वो, माधो सिंह द्वितीय। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। मुगल इतिहास में प्रथम पुत्र अंता माता किसे कहा जाता है।
मुगल इतिहास में प्रथम पुत्रंता माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मानबाई को। मुगल इतिहास में प्रथम पुत्रंता माता किसे कहा जाता है? मानबाई को। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जयपुर की सेना में मराठों की सेना के मध्य मालपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? जयपुर की सेना में मराठों की सेना के मध्य मालपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1791 ईस्वी में। जयपुर की सेना में मराठों की सेना के मध्य मालपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1791 ईस्वी में। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, राजा मानसिंह आमेर मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहाँ से लाए? राजा मानसिंह आमेर मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहाँ से लाए थे? लाहौर से। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। राजा मानसिंह आमेर मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहाँ से लाए थे? लाहौर से। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर रियासत के ध्वज में अंकित उनका मूल मंत्र क्या है? जयपुर रियासत के ध्वज में अंकित उनका मूल मंत्र क्या है? यतो धर्मस्ते ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। जयपुर रियासत के ध्वज में अंकित उनका मूल मंत्र क्या है? यतो धर्मस्ततो जय। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जयपुर के किस शासक ने बहादुर शाह के युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में व धर्मत के युद्ध में दाराशिकों का साथ दिया था? शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जयपुर के किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में व धर्मत के युद्ध में दाराशिकों का साथ दिया था? किसने दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जयपुर के किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में व धर्मत के युद्ध में दाराशिकों का साथ दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली गंधर्वबाईसी थी? जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली गंधर्वबाईसी थी? एक मंडली गंधर्वबाईसी थी। किसके दरबार में थी? स्वाई प्रताप सिंह के। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों कवियों व संगीतकों आदि कलाकारों की एक मंडली गंधर्वबाईसी थी? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। वन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? मिर्जा राजा जयसिंह। वन इज राइट आंसर। और सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? 7। सवाई से 7, सवाई जयसिंह ने कितनी? 6 से सवाई और 6 से 7, सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। प्रश्न नंबर 23, जयपुर स्थित मुबारक महल, जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है का निर्माता है? जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है का निर्माता कौन है? माधो सिंह द्वितीय। वन इज राइट आंसर। कौन है? माधो सिंह द्वितीय। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी?
तो ये किन किन की मत हुई थी? पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी को। और किस किस के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। वन इज राइट आंसर। सवाई जयसिंह द्वितीय को चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य। सवाई जयसिंह द्वितीय को चाणक्य भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 सिद्धांत कौस्तुभ सम्राट और सम्राट सिद्धांत रचना निम्नलिखित में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे हैं? सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे हैं? जगन्नाथ सम्राट। टू इज राइट आंसर। जगन्नाथ सम्राट की टू इज राइट आंसर। सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत रचना निम्नलिखित में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे हैं? जगन्नाथ सम्राट। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 मानसिंह द्वितीय किस खेल में निपुण थे? मानसिंह द्वितीय किस खेल में निपुण थे? पोलो। पोलो खेल कौन सा होता है? जो घोड़े पर खेला जाता है, जो घोड़ों पर खेला जाता है। मानसिंह द्वितीय किस खेल में निपुण थे? पोलो। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? गटोर की छतरियाँ। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट गटोर की छतरियाँ कहलाता है। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन से मराठा सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की सहायता की थी? कौन से मराठा सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की सहायता की थी? मराठा सरदार होलकर ने। किसने की थी? मराठा सरदार होलकर ने। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? बीजापुर अभियान। मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? बीजापुर अभियान। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 सवाई श्री सिंह ने 1748 ईस्वी में मानपुरा के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक की फौज को पराजित किया था? सवाई श्री सिंह ने 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में मानपुरा के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक की फौज को पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली। किसकी के? अहमद शाह अब्दाली की फौज को पराजित किया था। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि जयपुर के कौन से शासक को प्रदान की थी? अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि जयपुर के कौन से शासक को प्रदान की थी? मानसिंह द्वितीय को। किसको? मानसिंह द्वितीय को। टू इज राइट आंसर, मानसिंह द्वितीय को। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 मानसिंह ने काबुल के कौन से शासक को पराजित किया? मानसिंह ने काबुल के कौन से शासक को पराजित किया? मिर्जा हकीम खां। किसको पराजित किया था? मिर्जा हकीम खां। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34 जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में पहला युद्ध कौन सा था? जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में पहला युद्ध कौन सा था? राजमहल का युद्ध। और राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। राजमहल का युद्ध, राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 मानसिंह द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर को गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है?
मानसिंह द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर को गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जाना जाता है? राधा गोविंद मंदिर। फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह के विरुद्ध भाग नहीं लिया था? मारवाड़ ने। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह के विरुद्ध भाग नहीं लिया था? मेवाड़ ने भाग लिया था, कोटा ने भी लिया था और बूंदी ने भी लिया था। इन तीनों रियासतों ने भाग लिया था लेकिन मारवाड़ ने भाग नहीं लिया था। तो टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37। मानसिंह ने भवानी शंकर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? बेंकटपुर में। कहाँ पर? बेंकटपुर में। थर्ड इज राइट आंसर। इसमें तीन ही ऑप्शन डाले। मानसिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में मराठों को पराजित किया? काकोड़ के युद्ध में मराठों को पराजित किया। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39। किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान मानसिंह के तीन पुत्रों की मृत्यु हो गई? बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान मानसिंह के तीन पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 40। जयसिंह ने जजिया के बदले निम्नलिखित में से कौन सा परगना मुगलों को नहीं दिया? बदनोर दिया था, मांडल दिया था और पुर दिया था। ये तीनों दिए थे और भोमट नहीं दिया था। तो वन इज राइट आंसर। जयसिंह ने दजिया के बदले निम्नलिखित में से कौन सा परगना मुगलों को नहीं दिया था? भोमट नहीं दिया था, बदनोर, मांडल और पुर दिए थे। तो वन इज राइट आंसर। ये तीनों दिए थे, ये भोमट नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 41। सवाई जयसिंह के समय जाटों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जिसे जयसिंह ने नष्ट कर दिया था? थून। सवाई जयसिंह के समय जाटों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जिसे जयसिंह ने नष्ट कर दिया था? थून। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42। बालाबाई कौन थी? पृथ्वीराज की पत्नी थी। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43। स्वाई माधो सिंह ने स्वाई माधोपुर की स्थापना कब की थी? 1763 में। वन इज राइट आंसर। भूताला के युद्ध में तो कब हुआ था? भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में। भूताला के युद्ध 1227 ईस्वी की जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45। 1688 ईस्वी में कौन से ब्रिटिश शासक ने जयपुर की यात्रा की? 1688 ईस्वी में कौन से ब्रिटिश शासक ने जयपुर की यात्रा की थी? एडवर्ड पंचम ने जयपुर की यात्रा की थी। टू इज राइट आंसर।
शिवाजी को मुगल दरबार में किसकी निगरानी में रखा गया? शिवाजी को मुगल दरबार में किसकी निगरानी में रखा गया? राम सिंह की निगरानी में शिवाजी को मुगल दरबार में रखा गया। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के कौन से शासक ने तैयार की थी? मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के किस शासक ने तैयार की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। टू इज राइट आंसर। माचेड़ी के जागीरदार, कहाँ के जागीरदार? माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरुका ने जयपुर के कौन से शासक के समय अलवर राज्य की स्थापना की थी? पृथ्वी सिंह के समय। माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरुका ने जयपुर के कौन से शासक के समय अलवर राज्य की स्थापना की थी? पृथ्वी सिंह। किसके पास? पृथ्वी सिंह। फोर इज राइट आंसर। अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी, अल्बर्ट हॉल की नींव किसने रखी थी? प्रिंस अल्बर्ट ने। अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, जयपुर रियासत के झंडे के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? क्या पूछा है? जयपुर रियासत के झंडे के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जयपुर रियासत का झंडा पचरंगा था और 5 रंग कौन कौन से थे? नीला, पीला, लाल, हरा और काला। जयपुर रियासत का झंडा पचरंगा था जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा और काला था। 5 रंग कौन कौन से थे? नीला, पीला, लाल, हरा और काला। नंबर 2, इस झंडे के नीचे राज्य का मूल मंत्र यतो धर्मस्ततो जय लिखा है जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की सदा विजय होती है। इस झंडे के नीचे राज्य का मूल मंत्र क्या है? राज्य का मूल मंत्र यतो धर्मस्ततो तथा जय लिखा है जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की सदा विजय होती है। नंबर 3, इस झंडे के नीचे सूर्य की आकृति है, यहाँ के राजचिन्ह में सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र है। नंबर 4, उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। जयपुर रियासत का झंडा पचरंगा है, नीला, पीला, लाल, हरा और काला था, ये सत्य हैं। नंबर 2, इस झंडे के नीचे राज्य का मूल मंत्र यतो धर्मस्ततो जय लिखा है जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की सदा विजय होती है। इस झंडे के नीचे सूर्य की आकृति है, यहाँ के राजचिन्ह में सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। फोर इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।